भाई मैं इसको देख रहा था इतने टाइम से, उसके बाद ये देखो यार, मतलब ये आई चीज यार। हाँ भाई कैसे लग रही है चीज? अब इससे बाहर चाहिए क्या तेरे को? बताइयो लगा लो, मतलब मेरी और प्रियांशु की गाड़ी दिखेगी रोड पे, बस अब इतनी मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। भाई फाइनली प्रियांशु की भी गाड़ी रेडी हो चुकी है, मतलब अब भाई मतलब लगा लो अब पक्के भाई हो गए हैं। कैसे? ये देखो सेम वही जो यार ने लगवाया वही इसने लगवाया, मतलब। अब मैं आपको रीजन बताता हूँ कि भाई मैंने अलॉय व्हील इस टाइप के फ्यूल काउंटर क्यों नहीं लगाए। कुछ काम से आया था, बताता हूँ क्या काम था वो। रुक जाओ एक सेकंड, डिलीवरी हो रही है दो भाई मैं इसको देख रहा था इतने टाइम से, उसके बाद ये देखो यार, मतलब ये आई चीज यार, क्या मतलब। हाँ जी हाँ जी आ जाओ, अलग है यार इसका तो, लेंगे ये भी एक दिन लेंगे। तो भाई जिस काम के लिए आया था, अरे कैसे ऑन बजा रहा हो यार, एक से रुक जाओ। जिस काम के लिए आया था भाई हो गया वो काम, दो तीन चीज़ें समझनी थी इन लोगों से, एक सेकंड। हाँ फाइल ले चुका हूँ भाई, ये मेरी नंबर की फाइल जो जाएगी चंडीगढ़ जाएगी या कहाँ जाएगी भी पता नहीं है, देखते हैं। और एक ऐप है इनका टोयोटा आई कनेक्ट करके, तो वो भी वो समझा रहे थे। और अभी भाई जो तुम्हारे भाई ने जैसे अलॉय और रिम और वो लगवाए टायर, वैसा ही सेम या उससे और ऊपर या उससे साथ का ही, मतलब सेम उसका ही ब्रांड का वो भी लगवाने वाला है प्रियांशु, तो वो तो आपको उसके ब्लॉग में दिख जाएगा और आज आपको बताएंगे। तो मतलब मज़ा आने वाला है, मतलब लगा लो जो चीज़ यार ने लगाई वो पब्लिक को पसंद आ रही है ना, तो उससे बढ़िया बात और कोई हो ही नहीं सकती, मतलब पैसा वसूल है यार। तो चलते हैं भाई अभी। हाँ भाई कैसे लग रही है चीज? अब इससे बाहर चाहिए क्या तेरे को? बताइयो बहुत बाहर है यार, और नहीं तो क्या। 285 पिंते भी छोड़े हैं भाई, 285 अड़ेंगे ना यार। उसका रीजन मैं तेरे को गाड़ी में बताऊँ क्यों नहीं लगवा है, नहीं तो बीएफ ही नहीं डलवा देता मैं। अब नहीं पता कहाँ जाना, कहाँ अभी जल्दी आ जाए गाड़ी आगे लगा बताता हूँ। सो गाइस फाइनली वापस हम आ चुके हैं, फाइनली तो क्या ही बोल रहा हूँ, अभी तो फाइनली होगा जब इसकी गाड़ी में, ये तो आपको एक दिन बाद ही मिलेगा व्लॉग। खैर लेकिन एक चीज का भी दुख, चलो छोड़ो यार वो बाद में बताएंगे। अभी हम आ चुके हैं लाजपत नगर, जहाँ से हमने अपनी गाड़ी करवाया था। आज प्रियांश हुआ है, ये भी अब देख रहा है, क्या पता भाई दोनों की गाड़ी कैसी लगी। नींद आ रही है, नींद आ रही है अभी से, पूरी रात ना सो ना मैं यार तेरे चक्कर में, तेरे ऐसे चुन मचा दी। चलो भाई अभी चल रहे हैं, अभी भाई जाके एक बात होता भाई बता, ऐसे हम टायर लग जाएंगे तो ऐसे छाती पे चढ़ जाएगी दुनिया की, पता ऐसे एकदम छाती भाई तू लगा ले और बहुत कहीं चढ़ जाएंगे। चल आगे ले ले सीधे से ले ले, आज देख भीड़ है, कल बिल्कुल भीड़ नहीं थी भाई यहाँ पे, कि ट्यूजडे खुल गई ना मार्केट। सो गाइस फाइनली वापस हम आ चुके हैं, फाइनली तो क्या ही बोल रहा हूँ, अभी तो फाइनली होगा जब इसकी गाड़ी में, ये तो आपको एक दिन बाद ही मिलेगा व्लॉग। खैर लेकिन एक चीज का भी दुख, चलो छोड़ो यार वो बाद में बताएंगे। अभी हम आ चुके हैं लाजपत नगर, जहाँ से हमने अपनी गाड़ी करवाया था। आज प्रियांश हुआ है, ये भी अब देख रहा है, क्या पता भाई दोनों की गाड़ी कैसी लगी। नींद आ रही है अभी से, पूरी रात ना सो ना मैं यार तेरे चक्कर में, तेरे ऐसे चुन मचा दी। चलो भाई अभी चल रहे हैं, अभी भाई एक बात होता भाई बता, ऐसे हम टायर लग जाएंगे तो ऐसे छाती पे चढ़ जाएगी दुनिया की, पता ऐसे एकदम छाती भाई तू लगा ले और बहुत कहीं चढ़ जाएंगे। चल आगे ले ले सीधे से ले ले, आज देख भीड़ है, कल बिल्कुल भीड़ नहीं थी भाई यहाँ पे, कि ट्यूजडे खुल गई ना मार्केट। सो गाइस फाइनली आ चुके हैं यहाँ बीके टायर्स पे, और भाई मौसम देखो यार, पहले आप कुछ मतलब खतरनाक चीज होने वाली है गाड़ी में, लगा लो मतलब मेरी और प्रियांशु की गाड़ी दिखेगी रोड पे, बस अब इतनी मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। कोई सा आ जाओ साथ में, मतलब कोई ऐसा नहीं है, मतलब कोई चैलेंज कर रहा हूँ इनमें, वैसे कह रहा हूँ कोई सा भी आ जाओ भाई, कोई होड नहीं है अब, मतलब ये अगर हो गया ना ये चीज़ जो करवा रहे हैं उसके बाद तो भाई मतलब कोई
है ही नहीं भाई। अभी ये भी ठीक हो रहा है ये भाई, कल इसने भाई ने बहुत मेहनत की, मतलब पूरा बम्पर वम्पर मेरा इन्होंने ठीक किया। लाज फोन नंबर ले लेना, कोई सा सामान नाम क्या है भाई, नाम और फोन नंबर बता भी। ये 84 48 75 27 92 ठीक है भाई। इसके भी गाड़ी के लग निकल चुके हैं टायर। और भाई तेरे को पता है ये जो चीज करवा रहे ना उसके बाद तेरी तेरे को वाइड एंगल भी बनानी पड़ेगी मेरा वीडियो, इतने चौड़े हैं। ये तो बाद में आएगी वीडियो, वैसे भी तेरी तो पहले आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई देख सकते हो और बारिश हो रही है भाई, मतलब दिन बढ़िया है भाई। बोलते हैं कि भाई मतलब जब बारिश हो रही होती है तो अच्छा काम होता है, बढ़िया दिन रहता है। अभी तो भाई अभी आ रखे आनंद जी के छोले भटूरे वाला है, कह रहे था एक टायर वाले चलते चलते। अब यहाँ देखते हैं भाई कितने बढ़िया छोले भटूरे इनके। मैं कहा कुछ भूख लग रही थी, कुछ खा लेते हैं क्या, छोले भटूरे खाने फिर चल ठीक है। तो भाई आ चुके हैं फाइनली, कैसे बढ़िया है ना, एक और करेंगे फिर हैं। कैसे अभी खाएंगे भाई, देख दो भूख लग रही है, मैं कुछ खाए नहीं इस बंदे के चक्कर में भाई, मैं कुछ खाए नहीं घर के भाई, आंटी के हाथ के परांठे खा के आ रहा है। बढ़िया आलू के खाए होंगे खाने पीने चले गए थे, अब टाइम फॉर रियलिटी। कैसे अभी दो लग रहे हैं मेरे को दिख रहे और इस दिस आवर का भाई यही रिएक्शन था कल मेरा जो मैं ले नहीं पाया अपना खुद का। ये देखो डिफरेंस देख लो यहीं से, अभी यहाँ से दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखो अब देखिए वाइड एंगल में आ रहा है, नॉर्मल एंगल में नहीं आ रहा ये। अच्छा देख वाइड एंगल है ये, मौज बांधी मतलब। अब भाई YouTube पे हम दोनों की गाड़ी है जिसमें सेम टायर सेम अलॉय, क्या कहना है, क्या नहीं कहना है भाई, लट कट गया है मतलब कुछ बेकार चीज तो नहीं करवाई ना यार ने। कमेंट करके बता देंगे बाकी तो पब्लिक यार। भाई गर्मी इतनी हो रही थी, हमने कहा भाई आज रोक ही दे और आज स्कूल के दिन याद करते हैं। बढ़िया कोला कोला दे दे भाई, तूने कौन सा चॉकलेट लिया ना भैया, पांचवी क्लास का बच्चा है ना तू यार जल्दी दे दे यार। तो भाई कैसी फीलिंग आ रही है, मजे आ रहे हैं लग गए भाई टोटली। फाइनल लुक आपको थोड़ी देर बाद देखने को मिलेगी, कैसी लगी भाई, बहुत मेहनत लगी हमने साथ साथ मेहनत करी है, गर्मी में मरे हैं बैठे रहे हैं, बस पूछो मत पूरा। आइसक्रीम खाए हैं, अमृतसरी कुलचे खाए हैं, छोले भटूरे खाए हैं, लस्सी पी है, स्प्राइट पी है, चलाने का मिल गया बहुत हो गया। और बाकी तो सिनेमैटिक एंजॉय करेंगे पब्लिक। अब देखना भाई ये जो थारे दिख रही है ना इससे तगड़ी, आप कमेंट करके बताना दिख रही है आपको, किसी की हम किसी को बहुत बुरा नहीं बोलेंगे, किसी की देख लो। तो भाई फाइनली प्रियांशु की भी गाड़ी रेडी हो चुकी है, मतलब अब भाई मतलब लगा लो अब पक्के भाई हो गए हैं कैसे ये देखो सेम वही जो यार ने लगवाया वो इसने लगवाया, मतलब एक ही रात में डिसाइड करके सीधा बोले भाई चल मतलब लगा ले, रात को तो सोए ही नहीं हम लोग, मतलब मजा आ गया। मतलब अब तो भाई आप सिनेमैटिक्स एंजॉय करना, रील्स देखना, अब इंस्टा पे रील देखना, इसके इंस्टा पे देख लो पवार ब्रदर्स के केसी ब्लॉग्स पे इसमें देखना, मतलब यस चांस देखो यार। और मतलब लगा लो रैप के साथ भी बढ़िया लग रही है और ये कलर के साथ भी फुल मैच कर रही है, मजा आ गया कत्ती है ना, ज्यादा जो कहना जहर जहर काम कर दिया भाई भाई साहब, मतलब ऐसे लग रही है जैसे खा जाएगी गाड़ी किसी को। अब मैं आपको रीजन बताता हूँ कि भाई मैंने अलॉय व्हील इस टाइप के फ्यूल कॉन्ट्रे क्यों नहीं लगाए तो मेरे से अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं होगी भाई साहब, इन्होंने हमें दिमाग दिया था ऐसा क्यों करे, एक सेकंड क्यों। हाँ तो मेन पर्पज होता है कि आप एलॉयस ये वाले एलॉयस ना लेकर या बड़े 20-22 इंच के एलॉय ना लेकर ये इसके लिए ऑप्ट करेंगे, स्टील रिम जो हमने भैया के लगाए हैं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तो
मेन रीजन यही है कि हमने अलॉय क्यों नहीं लगाए बड़े साइज के, हम 20-22 इंच भी लगा सकते थे, कॉन्ट्रा फ्यूल के भी लगा सकते थे, या फ्यूल की और भी अच्छे अच्छे डिजाइन है, ये भी हमारे पास ऑफ रोड डिजाइन है काफी सारे, ये भी लगा सकते थे। हमने छोटे वाले 17 इंच के ही क्यों लगाए, वो इसलिए क्योंकि ऑफ रोडिंग करते हैं गाड़ी में, ऑफ रोडिंग के लिए हमें हाई प्रोफाइल टायर चाहिए होता है। मैंने भाई को सबसे पहले बोला मेरे को गाड़ी चलानी है खेत में, मेरे को वो जुगाड़ बताओ, तो भाई ने सिंपल खेत में अगर आप 20-22 इंच के 24 इंच के लगा के घूमोगे अच्छे लगेंगे, लोग वाहवाही करेंगे, खेत वाले सब इकट्ठे हो जाएंगे, गांव वाले सब इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन जब गाड़ी आप डाल दोगे हड्डे वड्डे में टायर फट सकता है और रिम टूट जाते हैं। और एक और चीज होती है ना कि रिम जो स्टील रिम होता है वो ठीक भी हो सकता है, लेकिन वो अलॉय बेंड होके ठीक नहीं हो सकता, कुछ अलॉय तो टूट जाएगा, है ना, खराब हो जाएगा, फिर वो गाड़ी वाइब्रेट करेगी, रिपेयर हो भी जाएगा, फिर भी गाड़ी खराब हो जाएगी, अलॉय खराब भी रहेगा जिंदगी भर। और एक और रीजन जो पब्लिक बोलेगी भाई BF क्यों नहीं लगा, रेडार क्यों नहीं लगा, ये मैंने लास्ट में भी बोला था, देखो ये BF का टायर है, ये रेडार का टायर है। हाँ अब BF की देखो आप जो उसकी ट्रेड पैटर्न एकदम प्लेन है, इसमें इतना एग्रेशन नहीं है, लेकिन आप रेडार का देखोगे तो इसके जो ग्रूव्स हैं काफी डीप हैं और काफी बड़े बड़े और ब्लॉक पैटर्न हैं, तो इसमें जो ग्रिप है, इसमें जो ऑफ रोड कैपेबिलिटी है, इवन स्पेशली आप स्लश में जाओगे, कच्चे में जाओगे, कीचड़ में जाओगे, तो एकदम कीचड़ को निकालते हुए निकलता है टायर, लेकिन ये जो है टायर ये भी अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन फिर ये ऑल टेरेन है, RT है, गुड फॉर हाईवे सिटी एंड माइल्ड ऑफ रोडिंग, दिस इज गुड फॉर एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग ऑल्सो। इसके साइड वॉल पे भी देखेंगे तो ये जो पैटर्न बना हुआ है ये साइड वॉल को बचाता है खराब रोड्स पे, इसमें भी है लेकिन उतना वैसा नहीं है, जैसे इफेक्टिव नहीं है हमारे यही तो इसमें। अब जैसे BF फुटेज में एम्प्टी टायर भी आता है, ये BF फुटेज का एम्प्टी टायर है, अच्छा ये और इसकी देखोगे ग्रूविंग कितनी मोटी है, देख सकता हूँ, तो ये फर्क है AT और RT में, ये आपका है MT, ये MT टायर, ये MT है और ये RT, ये RT, और RT जो है वो AT और MT का मिक्सचर होता है। हाँ ठीक है, और ये है आपका ये प्योर 80 टायर, 80 प्योर 80, मतलब तीनों भाई आपको दिखा दिए, 80 हो गया, ये RT हो गया और ये आपका MT हो गया, और प्राइस बता दो एक बार। प्राइसेस तो अलग-अलग साइज के वेरी करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने जो लगाया उसके क्या रहा, इनका जो टायर है वो 25,000 रुपए का एक टायर है, अच्छा 285/70/17 का टायर है, ये इक्वल टू 33 इंच, इसके लिए क्या है कि लिफ्ट भी करने की जरूरत नहीं गाड़ी के अंदर, इससे बड़ा कोई लगाओगे आप कार के अंदर तो उसके लिए लिफ्ट लगानी बहुत जरूरी है, ये एंड है, मतलब इससे ऊपर, इससे ऊपर की कोई नीड भी नहीं है, मतलब गाड़ी में नीड नहीं है, आपने खुद देखा आपकी जो गाड़ी में हमने कल लगाया वो कितने एकदम इजीली लगे और कितने बड़े लग रहे हैं, मेरे को तो अभी भी लग रहा था, मेरे को आज तक लगा 275, वो तो अच्छा हुआ आज वापस आ गया, ये आ गया टायर चेंज कराने, 285 है, मेरे को वो नहीं था, 285/70/17 का मतलब 33 इंच का टायर है, 33 इंच का, किसी भी भाई को टायर लगवाने हो लाजपत नगर आए, भाई का कॉन्टेक्ट नंबर के पीछे हम नीचे डाल देंगे, तो प्लीज जरूर आए, भाई का नेचर वगैरह सब टॉप क्लास है, मजा आ जाएगा, मतलब टाइम पास हुआ, 4 घंटे बोर हो रहा है भाई के साथ, खूब मन लगा रहा, चलो थैंक्स भाई, पागल हो चुका है यार ये देखो, मतलब लालो मैंने भी लगाए थे ठीक है, मेरे रात में लगे, क्या पता दिल में मैं ही पागल हो जाऊं, लेकिन इसको देखो बीच में, इसका तो ये भी तो सिस्टम मिला हुआ है, बीच में यहाँ फ्लाईओवर में खड़े होके ये देख रहा भाई आजा चल, वैसे मैं भी देखता हूँ भाई, मैंने भी खुद दिन में नहीं देखी यार ढंग से, ये देखो लग रही है भाई चीज, बोल दिया भाई सिस्टम मैन, पीछे हो गई शक्ल पीछे खड़ी है, ओ भाई यहाँ तक आवाज आ रही है बहुत, वो उसमें ओ मार रहा है उसके मार मुड़कन रे, मार रहे इतने में तो हो आ रहा है काम, ना, ना, दो सेकंड के तो सारी लड़ाई रहे हैं यार, लेकिन ये चीज अच्छी लगती है यार, हल्की सी गाड़ी लगी इतनी कोई उसकी भिड़ी भी नहीं, तो क्या कमेंट क्या करने चाहोगे, कमेंट देखो, अब आपको हम साइड में पानी दिखाते हैं भाई, इतनी सी बारिश हुई थी, अब आप जलवा टायर ने घुसा दे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे तो आराम से जा सके तो हम भी जा सके, उसको कैसे कैसे नहीं लेके आया ये भी ना, वो आराम से हाँ सॉरी गाइस, नहीं नहीं लेके आया, नहीं भाई साहब क्या मतलब क्या बोलूं गुड़गांव में तेरे को यार, मतलब बनाते समय कुछ सोचा नहीं था क्या भाई, एक बार इतना ये सिस्टम है पूरे में पानी भर जाता है भाई, मैं देखता हूँ मेरी सोसाइटी भाई, मेरी सोसाइटी में यहाँ तक आता है पानी, लेकिन अभी 2 साल से कुछ सिस्टम ठीक कर रहे हैं वो लोग, चल अब देखते हैं क्या सीन होता है, अभी हम दोनों चल अब गाड़ी ले लेते हैं पहले, उसके बाद बात करते हैं। हाँ जी कैसे
1,000 खुला है? खोल बताओ साझे बताओ कैसे है? लग रही है ना ऊंची यार, क्या हाल है यार, हाथ तो मिलाओ यार, मजा आया ना? अब देख सकते हो भाई, मतलब ये तो भाई भाई सौरभ है, बहुत बड़े दिनों बाद बर्थडे व्लॉग में देखा होगा लास्ट इन्होंने, उसके बाद कहा ही मिलते हो यार, और उनसे कहा मिलोगे, है ना? नहीं भाई, नेक्स्ट लेवल, मजा आ गया, मतलब वर्थ इट है ना, मतलब यही चीज मिसिंग हो रही थी। फाइनली घर, और ये कर दिया भाई अभी मैंने सेट। बीच में क्या हुआ, मैंने आज वीडियो डाली थी, वो सिनेमैटिक में गाना था ना वो मिस हो गया, पता नहीं कैसे डिलीट हो गया, लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, अब मेहनत की है, पैसे भी खर्च किए, सब कुछ हुआ है तो भाई ढंग से होना चाहिए। 40-50 व्यूज ही आए थे, इतने कोई खास ही है, लेकिन फिर भाई 1 घंटा हो लिया था डलते हुए, अब लेकिन इसे वापस से कर रहे हैं। और एक कमेंट करके बताओ, अभी तक तो आपने वीडियो देख भी ली होगी कि भाई कैसे लग रहे हैं, मतलब जेन्युइनली अभी बता देना। और आज प्रियांशु ने भी वो सेम करवा दिए, मतलब लगा लो उसने मेरे देखे अगले दिन बोला कि भाई, अगले दिन क्या उसी रात बोला कि भाई पहले फोटो भेजी, पागल हुआ। मैंने कहा चल ठीक है भाई, तू भी करवा ले, कोई नहीं यार सेम, मतलब ऐसे बात, मतलब उसकी गाड़ी में अलग लग रहे हैं, मेरी गाड़ी में अलग लग रहे हैं, क्योंकि मेरी रैप है, उसकी भी रैप है, लेकिन उसका अलग रैप है भाई। और कमेंट करके बताना, मेरी गाड़ी के ज़्यादा अच्छे हैं, उसकी गाड़ी के अच्छे हैं, दोनों के एक ही जैसे लग रहे हैं। तो भाई इसके साथ व्लॉग भी एंड करता हूँ, आई होप आपको डिफरेंस भी पता चल गया होगा कि भाई हमने क्यों बीएफ गुडरिच नहीं लगाया, रेडार क्यों लगवाया, और आपको पूरा आज दिखा दिया बढ़िया तरीके से। और अब आपको नेक्स्ट व्लॉग में रिएक्शन दिखाएंगे, रील्स सब इंस्टाग्राम पे भाई मैंने पहले बोल दिया, देख लो केसी व्लॉग्स में आते रहेंगे। एंड भाई इसी के साथ करता हूँ मैं व्लॉग एंड, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लो, मतलब सब्सक्राइब जिसने नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट करो भाई, आप लोग कमेंट नहीं करो तो मेरे को पता नहीं चलेगा भाई कैसे लग रहे हैं। और भाई मिलता हूँ यार।